हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस देखिए आज डेट है एट्थ ऑफ़ मे तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एट्थ ऑफ़ मे का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस देखिए आज की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हम कह सकते क्योंकि आज स्टार्टिंग में हमें बहुत बुरी खबर एक देखने को मिल रही है हमने देखा है अभी कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे हमें गैस लीक देखने को मिला है वहाँ पे एक पॉलीमर कंपनी थी वहाँ से गैस लीक हुई है काफ़ी पॉइजन उस गैस का क्या नाम है स्टाइरीन स्टाइरीन गैस वहाँ से लीक हुई है और काफ़ी लोगों की यहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ठीक है तो देखिए कम से कम अप्रॉक्सीमेटली uh, ग्यारह लोगों की जान जा चुकी है तीन सौ पचास लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं ठीक है थीके? ये बात एक्चुअली uh, कल की है रात को बताया जा रहा है साढ़े तीन बजे के आसपास देखिए थ्री थर्टी के आसपास प्लांट में से जो ग पॉइजनस गैस है ये स्टायरिन नामक गैस जो एक पॉलीमर की कंपनी थी पॉलीमर यानी प्लास्टिक की कंपनी थी ठीक है वहाँ से वो लोग बनाते थे पॉली पॉलीमर के कंपोनेंट बनाते थे ठीक है तो उससे ये गैस रिलीज हुई और सुबह होते होते काफ़ी दूर तक फैली और काफ़ी लोग इसके कांटेक्ट में आए और उनको अभी काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ठीक है हमने देखा कि इलेवन लोगों की तो डेथ हो गई देखिए आप फोटो देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे भी इन्फेक्टेड हुए हैं तो एक काफ़ी ख़राब पिक्चर हमें देखने को मिल रही है आज स्टार्टिंग में ही तो अभी देखते हैं कि आ, किस तरीके से इसमें लापरवाही बढ़ती गई है और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इस, आ, इसको देख के हमें उन्नीस का भोपाल में जो गैस इंसिडेंट हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था तो उसके ही तर्ज पे ये वाला एक इंसिडेंट दोबारा देखने को मिला है जहाँ की हम पहले से ही कोविड नाइन्टीन से अभी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं वहीं हमें दूसरी तरफ अभी ये एक और आप कह सकते हो डिज़ास्टर देखने को मिल रहा है ठीक है तो बहुत ही ख़राब सीन अभी हमारे साथ चल रहा है चलिए अब हम अपना एडिटोरियल पर आते हैं एडिटोरियल डिस्कस करना शुरू करते हैं देखिए ये जो पहला वाला आर्टिकल ये वही विशाखापट्टनम में जो अभी गैस लीक हुई है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस पैंडमिक के दौरान में इलेक्शन को कैसे लेके चलना है क्योंकि अभी काफ़ी स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं ठीक है तो उसको देखेंगे क्या क्या बात इसमें बताई गई है और नेक्स्ट आर्टिकल ये बात कर रहा है कि कोविड नाइन्टीन के दौरान कैसे आपने हमने तो पुराने ही लॉज का इस्तेमाल किया है या फिर हमें कुछ नए लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से टैकल करके ले चलें ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कैसे और चीज़ों को कंट्रोल करना है इस कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड आर्टिकल है तो उसको भी एक नज़र डाल लेंगे कि क्या बातें उसमें बताई गई है देखिए आज जैसा कि फ्राइडे है तो फ्राइडे को एक इंटरव्यू डिस्कशन टाइप आर्टिकल आता है इसमें बात बताई गई है कि क्या हमें हेल्थ केयर को एज फंडामेंटल राइट लेके चलना चाहिए तो फिर इसको ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं ठीक है थीके? और ये वाला आर्टिकल वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है ठीक है कि कैसे इस पेंडेमिक के दौरान हम वाटर को भी थोड़ा सा कंसीडर करना है कि कैसे जो वाटर बॉडीज हैं वो अगर डैमेज हो रही हैं तो कार्बन सिंक वगैरह हमारा जो एक वो है कार्बन सिंक है मतलब जिसकी हेल्प से थोड़ा बहुत कार्बन हम इन्वायरमेंट में कम कर सकते हैं उसको भी वो भी इफेक्ट हो रहा है ठीक है उसको उस, इस आर्टिकल को भी उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है यहाँ देखिए आज का कार्टून क्या दिखा रहा है आज का कार्टून दिखा रहा है कि कैसे अभी इकॉनमी लिकर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो गई है जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारें ने क्या किया है उन्होंने लिकर को अलाउ कर दिया है कि अभी शराब मिल सकती है ठीक है जैसे कि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने सेवेंटी परसेंट करोना फीस एक्स लगा दिया है यानी सेवेंटी परसेंट अप यानी जो बोतल हज़ार रुपये की थी वो अब सत्रह सौ की मिलेगी ठीक है आप ऐसा कह सकते हो कि सेवेंटी परसेंट फीस लगा दिए ताकि स्टेट को थोड़ा बहुत रेवेन्यू uh, जनरेट हो क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद चल रही है तो कहीं से रेवेन्यू आ नहीं रहा है फिर हमने देखा आंध्र प्रदेश ने भी अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास ऊपर uh, टैक्स लगाए हैं इसके करो लेकर uh, के ऊपर ठीक है तो ऐसे काफ़ी राज्यों ने अभी लिकर को अलाउ कर रखा है और वहाँ पर थोड़े बहुत टैक्स बढ़ा के लगाए हैं ताकि स्टेट को इससे रेवेन्यू जनरेट हो ठीक है तो चलिए पहले uh, विशाखापट्टनम वाला जो आर्टिकल आया है वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या बातें उसमें बताई गई है ठीक है थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे इतना बड़ा इंसिडेंट और किसकी लापरवाही थी इसमें और आगे क्या क्या एक्शन लिया जाना चाहिए अब देखिए बताया जा रहा है कि जो गैस लीक ट्रेजडी है यह हमें रिमाइंड कराती दी कि सेफ्टी बहुत पैरामाउंट है ठीक है जब ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा पैरामाउंट टॉपिक लेके चलना चाहिए था लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला काफ़ी लापरवाही कंपनी के द्वारा बरती गई और देखिए कितना बड़ा हादसा देखने को मिला है ठीक है देखिए बात है विशाखापट्टनम की जो आंध्र प्रदेश में है ठीक है अराउंड गोपालपट्टनम गोपालपटनम एक जगह है वहाँ पर वहाँ की बात है ये ठीक है तो एक एलजी पॉलीमर प्लांट है उस कंपनी का क्या नाम है एलजी पॉलीमर ठीक है तो ये लोग आ, पॉलीमर्स वगैरह के सामान बनाते हैं तो वहाँ से हजारडियस गैस स्टायरीन स्टायरीन एक नामक गैस वहाँ से रिलीज हुई ठीक है जो जिसके संपर्क में फिर काफ़ी लोग आ गए और उससे उनको इफेक्ट देखने को मिला ठीक है दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन और देखिए इसका कारण ये भी बताया जा रहा है जैसा कि अभी थोड़ी थोड़ी जो कमर्शियल चीज़ें हैं उनको अलाउ किया गया था तो बताया जा रहा है कि इस लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलीफ देने के चक्कर में फर्स्ट विक्टिम इनके कौन बने हैं यही जो विशाखापट्टनम के रहने वाले लोग ये बने क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ा बहुत लेवल पर कामकाज शुरू हो गया था तो उसके बाद उसके बाद ये चीज़ हमें देखने को मिली है तो इसमें लापरवाही किसकी थी कि थोड़े लेवल पे जब काम शुरू हो गया तो क्या वहाँ पर काफ़ी कैजुअल बिहेवियर था या सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था ठीक है तो देखिए वो पॉलीस्टरीन प्रोडक्ट में डील किया करते थे ठीक है पॉलीस्टरीन एक पॉलीमर यानी प्लास्टिक का ही सामान होता है उसमें डील किया करते थे और देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हेजारडियस केमिकल रूल एटीन नाइनटी एट नाइनटीन uh, एटी ये हमारे पास रूल है इसके तहत काम काज होता है ठीक है इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है इस शेड्यूल में uh, लिस्टेड है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए थी लेकिन रूल ले डाउन स्ट्रिक नॉम ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल एंड स्टोर ठीक है तो इसमें बताया गया है कि इसको कैसे हैंडल करना है कैसे स्टोर करना है वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं ठीक है थीके? लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि uh, रूल्स तो सिर्फ किताबों में लिखा रहता है ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि जो एम्प्लॉयर्स को काफ़ी सूटेबल होता है कन्वीनियंट होता है इजी होता है उसी पे वर्क किया जाता है ठीक है और जब तक प्रशासनिक मार पड़ती नहीं है तब तक वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन या सेफ्टी को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है ठीक है अब देखिए बताया गया है वॉज द रिओपनिंग वर्क एट दी फैक्ट्री लेफ्ट विद अनस्किल्ड वर्कर या फिर जो अभी रीओपनिंग uh, किया गया था थोड़े बहुत लेवल पे उसमें काफ़ी अनस्किल्ड लोग काम कर रहे थे जो ऐसी लापरवाही देखने को मिली है ठीक है देखिए यह हमें उन्नीस में जो भोपाल uh, गैस कांड हुआ था उसकी याद दिला रहा है कि कैसे वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था फिर उससे जो पीड़ित लोग हैं वो आज तक सफ़र कर रहे हैं ठीक है क्योंकि uh, इंसान उससे काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी हजारडियस इंजरीज हो गई थी इंटरनली लोगों को कहा जा रहा है कि ये गैस कैंसरस भी साबित हो सकती है मतलब क्या ही बोला जाए मतलब अब लोग करे भी तो करेगा गैस से कोई कितना ही भाग पाएगा तो रात को साढ़े तीन बजे की बात है लोग सवेरे उठे होंगे सोचे होंगे कि बढ़िया मौसम का आ, हवा लेंगे तो देखे कि पंजन पंजन स्मेल आ रही है तो बहुत सारे लोग को तो स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है फिर लोगों ने क्या किया लोगों ने पुलिस वगैरह को कॉल किया फिर धीरे धीरे जब सबको समझ में आया कि बहुत कुछ डेंजरस घटना घट चुकी है तब लोगों ने थोड़ा बहुत एक्शन लेना शुरू किया और वहाँ से भागना शुरू किया ठीक है तो ये काफ़ी ख़राब इंसिडेंट अभी हमें देखने को मिला है इस कोविड नाइन्टीन के दौरान तो जहाँ दो सारी दुनिया इससे परेशान है वहाँ विशाखापट्टनम के लोगों के ऊपर एक और आपदा आन पड़ी है लोगों ने अपने घर वर छोड़ के ऐसे ही भागे सारे सामान वामान ऐसे ही छोड़ के भागे क्योंकि सबको अपनी कम से कम जान तो बचानी है ठीक है तो देखते हैं अभी सरकार इसके ऊपर क्या ही स्टेप लेती है अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड स्लो बट स्टडी ओनली मोर टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल कैन स्लो द स्प्रेड ऑफ़ कोविड नाइन्टीन ठीक है यानी टेस्टिंग और आइसोलेशन जो बात हम डेली से करते आ रहे हैं कि आपको टेस्टिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा आइसोलेशन अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो उससे ही रेट्स कम कम हो पाएंगे तो ये डेली से हम देख रहे हैं ठीक है तो इसको तो एक फटाफट -फड़ ओवरव्यू ले लेते ले हैं क्या कह रहे हैं जैसा कि भारत में पचास से ज़्यादा क्रेज केसेस क्रॉस हो गए हैं ठीक है अप्रोक्सीमेटली सत्रह सौ के आसपास फैटैलिटीज़ हो गई है हम टॉप पंद्रह कंट्रीज़ में आ गए हैं जिन जी, जिनकी काफ़ी हाई इन्फेक्शन है जिनके यहाँ जैसे कि यूएसए तो हमेशा की तरह नंबर वन पे चल रहा है बारह तेरह लाख केसेस है वहाँ पे ठीक है और हमारा परसेंटेज बताया गया कि वर्ल्ड का वन पॉइंट लोग कहाँ हैं भारत में ठीक है तो और देखिए यहाँ पर बात बताया गया इटली स्पेन यू फ्रांस जर्मनी टर्की और ईरान की बात बताई गई जहाँ पे स्टार्टिंग में तो काफ़ी हाई केसेस थे लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल रहा है ब्राज़ील और रशिया की बात की गई तो यहाँ पे भी हालत खराब हो रही है यहाँ पे भी कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ठीक है ब्राज़ील और रशिया में डबलिंग रेट देखिए ब्राज़ील का डबलिंग रेट ग्यारह दिन है और रशिया का डबलिंग रेट कितना है नौ दिन है ठीक है डबलिंग रेट क्या होते हैं कि केसेस को डबल होने में कितना दिन लग रहा है यानी अगर केसेस सौ हैं तो सौ से दो सौ होने में कितना दिन लग रहा है ठीक है तो इसमें डब्लिंग रेट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा रहेगा यानी आपको बहुत ज़्यादा दिन लग रहा है केसेस डबल होने में ठीक है तो ये, ये एक तरफ़ ब्राज़ील का ग्यारह है और रशिया का नौ है तो आप देखेंगे तो ब्राज़ील का कंपेरेटिवली रशिया से ठीक है ठीक है तो जितना ज़्यादा डब्लिंग डेट रेट रहेगा उतना ही हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा कि हम थोड़ा बहुत वर्क कर पाएँ इसको कंट्रोल करने में ठीक है और देखिए और क्या बात द फैक्ट दैट डिस्पाइट टू एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेंट लॉकडाउन कि भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रेंजेंट लॉकडाउन देखने के बावजूद हमने दो बार एक्सटेंड भी किया लेकिन अभी भी कर्व फ्लैट हो नहीं है ठीक है जो कोरोना वायरस का कर्व है वो केस बढ़ते ही जा रहा है ठीक है हमें इसको फ्लैट करना है ताकि केसेस कम से कम नए केसेस बंद हो जाएं और जो पुराने हैं हम उनके ऊपर वर्क करके उसको अच्छे से ख़त्म कर पाएँ तो इसमें वही रास्ता बताया गया है कि आपको अर्ली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना पड़ेगा ठीक है और इस आउटब्रेक से डील करने के लिए साउथ कोरिया का एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि साउथ कोरिया ने कैसे मैनेज किया है और जो कॉफ था उसको फ्लैट करने का जो उसका मकसद था उसको अचीव किया है ठीक है कम्युनिटी टेस्टिंग की बात की गई है कि और सर्विलांस की बात की गई है कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा Uh, पूरी कम्युनिटी की टेस्टिंग करनी है सर्वेलांस करना है कि नज़र रखनी है कि जो पॉजिटिव है तो वो कहाँ मूव कर रहे हैं और किन, किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ठीक है तो ये सब स्टेप तो बहुत ही ज़रूरी है अगर अब इनसे डील करना है तो देखिए केरला का एग्जांपल दिया गया है कि जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में अगर कोई स्टेट का एग्जांपल दिया जा सकता है तो वो तो केरला ही है क्योंकि वहाँ पे केसेस भी कम देखे गए थे और डेथ भी काफ़ी कम थी और रिकवरी काफ़ी बहुत अच्छी थी ठीक है तो केरला ने अभी काफ़ी हद तक कोविड नाइन्टीन पर आप कह सकते हो मात दे दी है काफ़ी हद तक लेकिन हमें केरला से सीख लेने की ज़रूरत है कि केरला ने कैसे चीज़ों को किया कैसे उसने टेस्टिंग रेट बढ़ाए हैं कैसे वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है कैसे वहाँ पे प्राइमरी जो हेल्थ तो सेक्टर है उस पर वर्क किया जाता है उस पर पैसा खर्च किया जाता है ठीक है तो बाकी स्टेट्स को और सेंटर को भी इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि क्यों ना केरला मॉडल को अपनाया जाए केरला किस तरीके से काम करता है उससे सीख लिया जाए ठीक है महाराष्ट्र और गुजरात की बात बताई गई है कि कैसे यहाँ पर केसेज काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं ठीक है थीके? और वेस्ट बंगाल और बिहार में देखिए यहाँ पर तो बहुत ही कम टेस्टिंग है महाराष्ट्र और गुजरात में चलिए टेस्टिंग भी तो कम से कम की जा रही है लेकिन बंगाल और मध्य प्रदेश का तो हाल ख़राब है वहाँ पर टेस्टिंग भी कम है ठीक है तो ये सब चीज़ें अभी हमें देखने को मिल रही है तो वही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए और इसको कंट्रोल में लाइए और देखिए और ये वाला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहे हैं ये वाला आर्टिकल देखिए बात कर रहा है अनैक्ट कोविड नाइन्टीन लॉ ठीक है एक नए लॉ के बारे में इस जो अनप्रेसिडेंटेड अभी ये जो इवेंट चल रहा है इसके दौरान कहा जा रहा है कि क्या एक नया लॉ लाने की ज़रूरत है क्योंकि हमने जितना भी वर्क किया अभी सब पुराने ही लॉस पे वर्क किया जैसे हमारे पास है डिजास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है ठीक है 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है फिर हमारे पास डिजीज़ एक्ट है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है एटीन का ठीक है तो ये सब कुछ हमारे पास एक्ट है जिसके तहत हम काम करते हैं फिर हम सी आर पी सी के तहत वन फोटी वन फोर के तहत जो सी आर पी सी का है उसके तहत कर्फ्यू लगा देते हैं वन एटी एट ऑफ द आई पी सी के तहत अब कोई डिसोबीडियंस करता है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये सब हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे तो जिसके तहत हमने अभी काम किया है ठीक है लेकिन इसमें बात बताई गई है क्या कुछ नया स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता था तो देखिए एडहॉक एंड द रिएक्टिव रूलिंग मेकिंग रिवील द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है कि एडहॉक एंड रिएक्टिव रूल्स ठीक है ये जो टेम्प्रेरी रूल्स बनाए गए हैं और इतना सही तरीके से इनका कहना है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है ठीक है तो देखते हैं क्या बात इन्होंने आर्टिकल में बताई है तो देखिए लॉज गवर्निंग दी लॉकडाउन ठीक है तो इस लॉकडाउन के टाइम पे कौन से कौन से लॉज गवर्न कर रहे हैं देखिए स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है हेल्थ सेक्टर हेल्थ का जो बात आता है हेल्थ जो टॉपिक है ये किसके अंडर आता है ये स्टेट का लिस्ट स्टेट का सब्जेक्ट है ठीक है स्टेट लिस्ट में आता है ये और देखिए यूनियन होम अफेयर मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री ने क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ दो पाँच के तहत वर्क करने को कहा है ठीक है इससे हम इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं इस डिज़ास्टर का फिर आ, फिर देखिए ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं ठीक है थीके? तो ये जो पुराना हमारा एक्ट है इसके तहत ही हमने वर्क किया है ठीक है ताकि हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं इसके स्प्रेड को रोक सकें फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ एटीन की बात की गई है ठीक है इसके तहत जो भी आ, पहले से ही जो हमारे यहाँ पर कानून बने हुए थे कि कोई एपिडेमिक फैलेगा तो उससे कैसे डील करना है कैसे सस्पेक्ट केसेस को लेके चलना है कैसे फॉरेन रिटर्न को लेके चलना है उसके तहत हमने काम किया कैसे क्वारंटाइन वगैरह करके चलना है ठीक है फिर वन ऑफ सेक्शन वन ऑफ सी के तहत हमने बहुत सारी जगहों पर कर्फ्यू लगाया है वो सब काम हमने किया है ठीक है देखिए यूनियन गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट सीमलेसली विद द स्टेट लेकिन यहाँ पे जरूरत यह भी थी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफ़ी एक अच्छा कॉपरेशन लेके चले एक अच्छा दोनों में मिलाव हो ताकि Uh, कुछ सही तरीके के स्टेप लिए जा सके और चीज़ों को कंट्रोल में लेके चला जा सके ठीक है क्योंकि बहुत जगह हमने देखा ये एक्ट इतना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना सारा रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद इसकी अवहेलना हो रही है लोग रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और हमने देख रहे हैं कि कैसे वो बाहर सड़कों पे भी आ रहे हैं ठीक है थीके? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही थी फिर देखिए सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी की बात की गई जिसके तहत अब अगर कोई डिसोबीडियंस दिखा रहा है पब्लिक ऑर्डर को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है तो उसके तहत आप उसको अरेस्ट कर सकते हो ठीक है वो बात बताई गई है और फिर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे दूसरे जो यूके वगैरह देश है वहाँ पे कैसे यूके में कोरोना वायरस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी लाया गया है स्पेशल इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए ठीक है और जो जो भी इससे कोविड नाइन्टीन से कनेक्टेड इश्यूज़ रहेंगे उससे डील करने के लिए सिंगापुर की बात बताई गई सिंगापुर ने बात किया क्या इन्फेक्शस डिजीज़ रेगुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे सिंगापुर ने भी एक नया एक्ट uh, लेके आया है कि इस कोविड नाइन्टीन से के दौरान इस तरीके के हम रूल्स uh, का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के कानून का इस्तेमाल करेंगे ठीक है और देखिए सिंगापुर में वायलेटर्स को कितना दस हज़ार डॉलर को फाइन देना पड़ेगा अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे और जबकि इंडिया की बात बताई गई है कि अगर आप सेक्शन वन एटी एट के तहत तेरेस्ट भी करते हो तो कितना फाइन है दो सौ रुपए से लेके हज़ार रुपये फाइन है मतलब कोविड uh, नाइनटीन जैसी जानलेवा बीमारी के दौरान आप खुद की जान तो जोखिम में डाल रहे हो और दूसरे की भी जान जोखिम में डाल रहे हो उसकी कीमत कितनी है पर दो सौ से एक हज़ार क्या ये डेटरेंट डेटरेंस क्रिएट करेगा लोगों में डर क्रिएट करेगा दो सौ रुपये तो आप नॉर्मल बाइक का चलान काट दो तो भी दो सौ से ज़्यादा ही रुपये पे करने पड़ते हैं तो वहाँ पे लोगों में डेटरेंस क्रिएट नहीं होता तो यहाँ पर कहाँ से ही डेटरेंस क्रिएट होगा ठीक है तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिजम किया गया है कि थोड़ा सा स्ट्रेंजेंट लॉ बनाना चाहिए था फिर देखिए बात की गई जो अभी पार्लियामेंट साइन साइनडाइन कर दिया ठीक है मतलब कि यूनियन और स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात की गई कैसा उसको कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए था ठीक है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट साइनडाइन यानी अनिश्चित काल तक बंद है पता नहीं अब कभी क्योंकि लेकिन काम तो वैसे चालू है देखा जाए तो क्योंकि सब क्या कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत कर रहे हैं और चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं ठीक है और जो फिजिकल वाला पार्लियामेंट सेशन होता था वो तो अब देखते हैं कि कभी चालू होता है ठीक है और देखिए इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सरकार का ये भी किया गया है कि कैसे फ्लिप फ्लॉप ऑफ द डिसीजनस हुए हैं सरकार ने ठीक है जैसे कि आ, जो मूवमेंट की बात थी इंटर स्टेट मूवमेंट कभी सरकार कह रही थी ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं कभी कैंसिल कर रही थी ठीक है तो इसमें माइग्रेंट वर्कर को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया उनकी काफ़ी परेशानी हमने देखी कि कैसे वो सड़कों पे पैदल पैदल अपने घरों की तरफ निकले हैं और जो उनको फाइनेंशियल और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखने को मिले हैं ठीक है तो ये सब काफ़ी एक ग्रीम पिक्चर कब कह सकते हो हमें देखने को मिली है तो इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट और सेंटर भी कम देखने को मिला है हमने देखा कि कैसे जब ट्रेन चली थी तो ट्रेन में भी सेंटर कह रहा था कि कुछ खर्चा स्टेट्स को उठाना पड़ेगा या रेलवे डिपार्टमेंट को उठाना पड़ेगा सारा खर्चा सेंटर खुद नहीं उठाएगा तो ये कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था ठीक है एक टेबल पे आके सेंटर और स्टेट को बैठ के कोऑर्डिनेशन दिखाना चाहिए इस पैंडमिक से डील करने के लिए ठीक है बात करना बहुत ज़रूरी है और एक आप कह सकते हो कि एक मत विचार लेके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये था इस आर्टिकल में देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि इस कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक में कैसे आपको इलेक्शंस को लेके चलना चाहिए ठीक है तो अभी जैसा कि बात इसमें बात एक्चुअल है महाराष्ट्र में अभी होने वाला है लेजिस्लेटिव काउंसिल uh, के लिए जैसे कि वहाँ के जो सीएम हैं उधर ठाकरे साहब वो वहाँ के सीएम बने लेकिन ना तो वो लेजिस्टिव असेंबली के मेंबर हैं ना लेजिस्टिव काउंसिल के मेंबर है ठीक है थीके? तो हमारा संविधान ये कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो अगर आपके पास कहीं पे ना तो असेंबली की सीट हो ना काउंसिल की सीट हो लेकिन बशर्ते छ महीने में आपको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना है ठीक है तो उनका छः महीने का जो टाइम पीरियड है वो सत्ताईस मई को ख़त्म होने वाला है तो ना अभी असेंबली के इलेक्शन तो हो नहीं सकते जो रह गए ये वाले काउंसिल के इलेक्शन तो अभी उसको इक्कीस मई को होने वाले हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन ठीक है और एक दूसरा रास्ता था उनके पास नॉमिनेशन का रास्ता क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा जैसे हमारे सेंटर में राज्यसभा होती है वैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ठीक है तो वहाँ पे नॉमिनेशन के थ्रू भी लोग जाते हैं तो वो एक ऑप्शन भी इनके पास खुला था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी स्टेट में अगर अपनी पार्टी का गवर्नर ना हो दूसरी पार्टी का गवर्नर हो तो वहाँ पर थोड़ा सा जो सरकार है और जो गवर्नर है उनके विचारों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलते हैं तो जो उद्धव ठाकरे साहब उन्होंने काफ़ी बार जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत कोश्यारी साहब उनसे रिक्वेस्ट की कि नॉमिनेशन के ऊपर काम किया जाए ध्यान दिया जाए लेकिन कोई रिस्पांस मिला नहीं ठीक है तो अभी उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन से अभी बात की तो ट्वेंटी फर्स्ट मई को इलेक्शन कराने की बात की जा रही है ठीक है तो देखिए अवर्टिंग द पोलिटिकल क्राइसिस की बात की जा रही है जैसा कि अभी छब्बीस मई को छताईस मई को इनका फाइनल ख़त्म होने वाला है जो आखिरी डेट है छः महीने की उससे पहले पहले इनको मेंबर बनना पड़ेगा किसी ना किसी हाउस का तो अभी इलेक्शन uh, हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट मे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ठीक है देखिए आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर के तहत इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को डील करता है यानी इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन किसके किसके इलेक्शन करवाता है देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है लोकसभा के इलेक्शन करवाता है राज्यसभा के इलेक्शन करवाता है ठीक है और स्टेट असम्बलीज के इलेक्शन करवाता है ठीक है स्टेट असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी करवाता है और जो पंचायत है पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है पंचायत के इलेक्शन स्टेट लेजि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है ठीक है सेंटर वाले नहीं करवाते हैं तो अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है सुनील अरोरा साहब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ठीक है तो चलिए आगे मूव करते हैं कि क्या बात और बताई गई है देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था एस आर चौधरी वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2001 का केस है इसमें बताया गया था डेट इट वुड बी टे टेंटामाउंट टू सब वर्जन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ठीक है कि अगर वो हम इनको और आगे तक काम करने देंगे और इस पैंडेमिक में इलेक्शन नहीं करवाएंगे और इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे तो वो जो ये आप कह सकते हो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का एस आर चौधरी वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब वाले में जो कहता है कि अगर हमने फॉलो नहीं किया चीज़ों को और एक्सटेंड कर दिया तो ये रिप्रेजेंटेशन का यानी जनतंत्र का थोड़ा सा अपमान हो सकता है क्योंकि ना तो इनके पास को ये जीत के आए हैं लोगों ने इनका इनके ऊपर भरोसा ही नहीं दिखाया है फिर भी आप इनकी बड़ी पोस्ट इनके हाथ में रख रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता इनको इलेक्शन या नॉमिनेशन के थ्रू तो आना ही होगा या सीट वैकेंट करनी होगी ठीक है ये प्रोसीजर है हमारा तो नॉमिनेशन रूट भी इन्होंने जो था वो भी ट्राई किया लेकिन अभी भी उस पर भी बात बनी नहीं है ठीक है देखिए और जो लेजिस्टिव काउंसिल होता है उसमें जो कोई स्पेशल फील्ड के स्पेशल फील्ड के मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है ठीक है और देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है लालू प्रसाद यादव जी का जो जिन, जो एक केस में में फंस गए थे 1997 में, तो उसके बाद उसके उनकी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जाती नजर आ रही थी तब उन्होंने क्या किया था तब उन्होंने अपनी वाइफ जो उनकी वाइफ है राबड़ी देवी उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था ताकि कम से कम जो पोस्ट है वो घर में ही रहे तो यही एग्जांपल दिया जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे साहब भी इस बार ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब के जो लड़के हैं सन हैं वो एक एम एल ए हैं ठीक है यानी उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है तो वो चाहें तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले सकते हैं वो और पूरा का पूरा अपना कार्यकाल खत्म कर सकते हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो वो एक रास्ता उनके पास और बचा हुआ है वो भी एक काम किया जा सकता है ठीक है और देखिए बात बताई जा रही है कि टू एटी एट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें कितने मेंबर्स हैं लेजिलेटिव असेंबली में टू एटी एट मेम्बर्स हैं जो अपनी महाराष्ट्र की लेजिलेटिव असेंबली ठीक है तो इतने लोग जाएंगे लेजिस्टिव काउंसिल की वोटिंग के लिए ठीक है यानी ज़्यादा लोगों को वोटिंग के लिए जाना नहीं ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप सब जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती डायरेक्ट वोटिंग मतलब जो जनता खुद वोट करे लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट वोटिंग होती है जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग चुन के भेजे हैं वो जाके लेजिस्टिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए यहाँ पे अभी वोट करने वाले हैं ठीक है साउथ कोरिया की बात की गई है कि साउथ कोरिया नहीं अभी हाल ही में इलेक्शन करवाया है वहाँ पे तो फोर्टी फोर मिलियन वोटर्स ने वोट दिया है तो आप उनसे सीख ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराया है कैसे सेफली चीज़ों को लेके चलाया है ठीक है अब देखिए बताया जा रहा है कि अनलाइक राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन विच कैन बी पोस्टपोन इंडेफिनेटली द इलेक्शन कमीशन कैन पोस्टपोन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ ओनली सिक्स मंथ ठीक है तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए खाली छः महीने के लिए ही आप पोस्टपोन कर सकते हो ठीक है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सिर्फ कितना छः महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हो और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो इनडेफिनेटली ठीक है तो ये एक अफेक्ट याद रख सकते हो कि किस चीज और किसके इलेक्शन को कितना पोस्टपोन किया जा सकता है ठीक है तो क्या हो गया लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हो कि सिमिलर हैं ठीक है जो सेंटर में लोकसभा है वही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है इन दोनों को आप इनडेफिनेटली पीरियड के लिए आ, होल्ड कर सकते हो अपना इलेक्शन लेकिन जो राज्यसभा और होल्ड करना एक मिनट होल्ड करना राज्यसभा और जो लेजिस्टिव काउंसिल है ठीक है देखिए राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल न पोस्टपोनडेफिनेटली ठीक है तो रा, राज्यसभा और लेजिस्टिव काउंसिल को आप इंडेफिनेटली के लिए रोक सकते हो लेकिन लोकसभा और लेजिस्टिव असेंबली को सिक्स uh, मंथ तक का ही टाइम मिलता है ठीक है छः महीने के लिए आप रोक सकते हो और देखिए और क्या बात बताई गई है और बताया गया है कि अभी uh, एक दूसरा रास्ता है एमरजेंसी का रास्ता की स्टेट रूल लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकते हैं जैसा की आर्टिकल तीन सौ छप्पन क्या कहता है कि जब Uh, चीज़ें सही नहीं चल रही हो स्टेट में अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बात चल रही हो ठीक है तब क्या हम लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट uh, रूल लगा सकते हैं ठीक है थीके? ये एक रास्ता फिर प्रेसिडेंट रूल का रास्ता बच जाता है फिर लेसन फ्रॉम भी साउथ कोरिया की बात की जा रही कि साउथ कोरिया से आप क्या सीख ले सकते हो अगर हम इलेक्शन uh, का रास्ता अपना ही रहे हैं तो साउथ कोरिया से क्या लेसन ले सकते हैं जैसा कि साउथ कोरिया ने डिसिनफेक्टिंग पोलिंग सेंटर बनवाए थे जो भी पोलिंग बूथ थे वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट लगवा रखे थे ठीक है ताकि इस uh, हाइजीन का ध्यान रखा जा सके ठीक है फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह पे मेनटे ध्यान रखा था ग्लव्स मास्क इन सब चीज़ों के अवेयरनेस लोगों में रखवा रखी थी टेम्परेचर चेकिंग का बंदोबस्त था ताकि अगर किसी का टेम्परेचर हाई हो तो उन लोगों को एक अलग सेक्शन में वोटिंग के लिए भेजा गया था ठीक है और जो लोग वोटिंग के लिए आ नहीं पाए थे उनको ई के थ्रू वोट करने का ऑप्शन था ठीक है तो ये ई वाला तो शायद भारत में इतना एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फ्रॉड के भी मामले सामने आ सकते हैं ठीक है तो फिर और एक बात बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशनर कमीशन का एक आप कह सकते हो मोटो होता है कि नो वोटर शुड लेफ्ट बिहाइंड वाला कि कोई भी वोटर पीछे छूटना नहीं चाहिए हमें सब वोटर को चांस मिले वोट देने का वो जो एक मकसद होता है उसको भी इलेक्शन uh, कमीशन को ध्यान में रखना चाहिए और इस जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराना चाहिए ठीक है तो ये तो हो गया इस आर्टिकल के बारे में अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि क्या हमें हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट right के तौर पर देखना चाहिए ठीक है तो अभी देखिए जहाँ एक तरफ इस बीमारी से काफ़ी इस दिक्कत का सामना इकॉनमी हेल्थ सेक्टर और जो जिंदगियां हैं कितनी गई हैं वो सब हमें देखने को मिला है तो इससे क्या हम कुछ सीख लेके आगे चेंजेस ला सकते हैं तो इसमें वही बात बताया गया है कि भारत में हेल्थ की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी लोगों को इतनी है नहीं ठीक है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो कि हेल्थ सेक्टर को फंडामेंटल राइट के रास्ते पर ले जा सकते हो ठीक है तो यही बात बताइए ये कि भारत में दो परसेंट से ज़्यादा कभी हेल्थ सेक्टर पे खर्चा होता नहीं है तो आप उन उन चीज़ों को टैकल करिए ठीक है, है? देखिए सेंटर एंड स्टेट नीड टू कॉपरेट फंडिंग सेंटर और स्टेट को मिलकर फंडिंग करनी पड़ेगी हेल्थ हैज़ टू रिमेन अ स्टेट सब्जेक्ट ठीक है हेल्थ जो एक स्टेट सब्जेक्ट है उसको चलिए स्टेट सब्जेक्ट ही रहने दीजिए लेकिन सेंटर और स्टेट को इसमें मिल काम करना पड़ेगा ऐसे नहीं अगर इसके स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब सेंटर की तरफ से भी एफर्ट्स आएंगे सेंटर भी फंड इन्फ्यूज़ करेगा तो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट देखने को हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए देखने को मिल सकता है ठीक है तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हेल्थ केयर एज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल सिटीजन क्या ये एजेंडा को अभी बढ़ावा मिल सकता है क्या इसके ऊपर काम किया जा सकता है ठीक है तो देखिए क्वालिटी हेल्थ केयर बहुत ही जरूरी है और ये काफ़ी Uh, सही टाइम है कि इसके ऊपर सोचा जाए कि कैसे देखो लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही है हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की कितनी कमी है ठीक है तो ये एक बहुत सही uh, सीख ले सकते हो आप इस पेंडेमिक से और हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देख सकते हो ठीक है थीके? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट यहाँ पर uh, आगे से अप्लाई ज़रूर कर सकते हो ठीक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सभी लोगों को समान तरीके का हेल्थ कवरेज मिल सके ठीक है तो उसका कंसेप्ट ज़रूर से अप्लाई मिला सकते हो तो वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो रिवोल्यूशन आएगा हेल्थ आ, हेल्थ सेक्टर में इंडिया के और हेल्थ अगर लोगों की सही हो गई तो आप यकीन मानिए बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगी ठीक है जब इंसान की हेल्थ सही होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो इकॉनमी को और ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है वो व्यक्ति लेकिन हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो बताइए क्या ही कर पाएगा वो ठीक है और ये बहुत ही ये पब्लिक गुड है ऐसा नहीं कि प्राइवेट पर्पज़ के लिए किया जा रहा है ये एक पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है ठीक है देखिए इसमें बताया गया कि इस हमारे पास जो हेल्थ सेक्टर इतना वीक है तो उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अभी चुकाई है जैसे कि हम प्रीपेड नहीं थे हैं, है इस कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए यहाँ पे देखिए कितने सारे लोगों के डे बाय डे केसेस आ रहे हैं क्या आपको लगता है हमारे हॉस्पिटल्स में उतने बेड्स हैं उतने वेंटिलेटर्स हैं उतने डॉक्टर्स हैं उतने मेडिकल स्टाफ्स हैं जी नहीं बिल्कुल आप सब आंकड़ा तो जानते ही होंगे जैसे कि डब्ल्यू एच ओ का आंकड़ा है कि कम से कम दस हज़ार पर अप्रॉक्सीमेटली एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कम है शायद डब्ल्यू एच ओ का शायद रेशियो एक हज़ार पे एक डॉक्टर है लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कम है बहुत ही कम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है हमारे यहाँ पे तो वो एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है लैक ऑफ प्रिपेरनेस हमारे पास थी कि हम इतने प्रिपेयर नहीं थे कि इतने सारे लोग जब एक साथ इन्फेक्ट होकर आने लगेंगे तो कैसे उनको टैकल किया जाएगा कहाँ रखा जाएगा कितने मेडिकल स्टाफ वर्क करेंगे ठीक है तो वो सब सिचुएशन हमने देखी कि कितना ग्राउंड लेवल पर चीज़ें खराब चल रही हैं ठीक है इम्यूनाइजेशन uh, जब तक इम्यूनाइजेशन हो नहीं जाता है जो कि एक अल्टीमेट uh, रास्ता भी वही देखा जा रहा है कि फाइनल रास्ता वही है इससे बचने का तब तक हमें uh, बहुत कुछ चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड प्राइमरी केयर केयर सिस्टम के ऊपर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम डिजीज़ सर्विलांस के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि हम देखें कि कौन से रीजन में uh, कौन सी बीमारी है कि किस वजह से है उसके ऊपर वर्क करें ठीक है फिर उसको ट्रेस करने का कुछ कुछ आप कह सकते हो रास्ता लेके आएँ और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए ताकि लोगों को ग्राउंड आप कह सकते हो इनिशियल स्टेजेस पे ही ट्रीटमेंट मिल सके ठीक है और ज़्यादा उनको दूर ना जाना पड़े ट्रीटमेंट करवाने के लिए जैसा कि आ, ट्रशरी केयर की बात बताई गई कि हमें ट्रशरी केयर सेक्टर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे जो वेंटिलेटर्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जैसा कि कोविड नाइन्टीन है ऐसा कुछ सिनेरियो आए तो उसके लिए भी हम थोड़ा बहुत तैयार रहें ठीक है तो हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के लेके चलना पड़ेगा तो वो एक आ, सीख ले सकते हैं हम इस पेंडेमिक से ठीक है इंडिया कैन डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल ठीक है क्या हम आ, उस इस इसको कंप्लीट कर सकती है इसको एक्म्प्लिश कर सकते हैं कि क्या हम सबको क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकते हैं ठीक है और इसमें कितना खर्चा जाएगा उसके बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल तो देखिए इसने केरला का के एग्जांपल दिया कि केरला कैसे के एक अच्छा खासा अमाउंट हेल्थ सेक्टर पर स्पेंड करता है वहाँ पर कितने अच्छे खासे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ठीक है थीके? वहाँ पर मतलब आप समझ रहे हो कि लोगों को हेल्थ के लिए इतना इशू नहीं फेस करना पड़ता होगा अप्रॉक्सिमेटली सभी लोगों को अच्छी खासी हेल्थ सर्विस मिल जाती होगी इसलिए तो आज केरला इस पैंडमिक से लड़ने में सबसे आगे और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सही होती हुई नजर आ रही हैं ठीक है तो आपको केरला से सीख लेने की जरूरत है कि कैसे आ, केरला वर्क करता है तो वो एक बात बताई गई है और बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली ये चीज चीज़ें करने में आपको तीन से चार परसेंट ऑफ दी जीडीपी का तो जरूर खर्चा करना चाहिए जो कि अभी हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली डेढ़ परसेंट ऑफ दी जीडीपी ही खर्चा करते हैं अगर आप ये एक बाकी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम हम खर्चा करते हैं हमारे हेल्थ केयर पर ठीक है तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट जरूर आपको फॉलो करना चाहिए जरूर उसको एप्लीकेशन में लेके आना चाहिए क्योंकि कम से कम हेल्थ और फूड कम से कम ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो uh, हर एक इंसान को मिलनी चाहिए ठीक है और देखिए आगे क्या बात बताई गई है और इसमें कहा गया है कि देखिए ये एक बात बताई गई कि इन पब्लिक इमेजिनेशन एटलीस्ट द मिडिल क्लास इमेजिनेशन द मॉडल ऑफ हेल्थ केयर हैज़ बीन वन ऑफ द लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है जैसा कि एक पब्लिक इमेजिनेशन होती है कि जो मॉडल ऑफ दी हेल्थ केयर होता है उसमें बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए लेकिन एक्चुअल वर्क जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कर सकता है उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा और वो गवर्नमेंट के उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ठीक है थीके? ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सिर्फ टर्चरी लेवल के ही काम कर रहे हैं जब तक ग्राउंड पे लोग चीज़ें सही नहीं होंगी ठीक है तो वो ऊपर के उतना सारा टर्चरी लेवल पे बना के मतलब नहीं देगा तो प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा उनको पहले हर हर, हर रीजन में आपको पहुँचाना पड़ेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो है उनको लग रहा है कि जुलाई आ, अप्रोच कर जाएगा वहाँ पे काफ़ी पीक देखने को मिल सकता है ठीक है ये कह रहे हैं कि जो अभी जो गांव वाले इलाके हैं जहाँ पे अभी केसेस बहुत कम देखने को मिल रहा है हो सकता है जुलाई वुलाई तक ये केसेस वहाँ भी पहुँच जाएँ जैसे कि स्पेनिश फ्लू की बात की गई है स्पेनिश फ्लू ऐसे ही आ, फैला था ठीक है स्पेनिश फ्लू जो अब कह सकते हो अठारह के आसपास आया था स्पेनिश फ्लू ठीक है तो तब ये फैला था और इसमें काफ़ी पचास लाख लोग के अप्रोक्सीमेटली लोगों की डेथ हुई थी तो काफ़ी ये भी एक कस, कह सकते हो डेंजरस फ्लू फैला हुआ था तो इसमें बॉम्बे रीजन में ऐसे ही फैला था और धीरे धीरे बाकी रीजन में भी फैला था ये ठीक है तो अभी वही बताया गया कि जुलाई वुलाई के आसपास हो सकता है फिर ये जो हमारे गांव वाले इलाके हैं जहाँ पे अभी लोगों को माइग्रेंट लेबरर अपने अपने जहाँ से वो काम करते थे वहाँ से कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करके अपने अपने घरों तक जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर भी केसेस देखने को मिले ठीक है तो वो एक चिंता चिंता की बात देखने को मिलेगी हमें आने वाले टाइम में ठीक है देखिए बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए क्या क्या उस पर काम किया जा सकता है ठीक है तो देखिए जैसे कि हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है शुड वी मेक इट सेंट्रल सब्जेक्ट तो बोला जा रहा है कि क्या हमें उसे सेंट्रल सब्जेक्ट के तौर पे दे बना देना चाहिए तो सेंट्रल स्टेट बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं स्टेट है तो आप स्टेट ही रहने दीजिए लेकिन आपको सेंटर के साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि सेंटर की तरफ से मनी फ्लो होती रहे और एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होता रहे ठीक है देखिए नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन दी हेल्थ केयर यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा एक से डेढ़ परसेंट खर्चा करने से कुछ होगा नहीं आपको तीन चार पाँच परसेंट ऑफ़ दी जी डी पी हेल्थ केयर पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए ठीक है नीड ए सिस्टम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर ठीक है जो कि हम अभी तक डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर हेल्थ कवरेज का सिस्टम जरूर बनाना चाहिए ठीक है देखिए है अब यहाँ पर थोड़ी सी इनक्वालिटीज़ की बात की गई है डिवाइड की बात की गई जैसे एक पुअर होता है एक मिडिल क्लास होता है और एक रिच पर्सन होता है ठीक है तो पुअर के लिए आप देखोगे जब वो एकदम सीरियस हो जाता है तब जाके ही वो दवाई लेता है और वो कहाँ जाता है दवाई लेने तो कोई दवाखाना एर एरिया में होगा जहाँ पे कम फीस लगे वो वहाँ चले जाते हैं जो मिडिल क्लास होता है वो हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक हॉस्पिटल में चला जाए लेकिन जो रिच होते हैं वो एकदम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तुरंत सर्दी जुकाम हुआ तो पहुँच जाते हैं ठीक है तो आप देख रहे हो कि एक्सेसिबिलिटी का भी कितना डिफरेंस है एक तरफ जो पुअर सेक्शन है वो एकदम जानलेवा बीमारी होने के बाद भी ग्राउंड ग्राउंड के जो दवाई खाने हैं जो प्राइमरी सेंटर वहीं तक पहुंच पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो एकदम रिच सुपर रिच क्लास वाले उनको सर्दी ज़ुकाम भी हो जाता है तो वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं ठीक है ठीके? तो इसको कैसे आप फुलफ़िल करिए ताकि कम से कम हेल्थ पे तो सबका अधिकार होना चाहिए तो वही बात बताएगी कि कम से कम हेल्थ में ये जो गैप है इसको ब्रिज करिए और सिंगल हेल्थ केयर सिस्टम बनाइए ठीक है सिंगल हेल्थ केयर सबको सेम कम से कम हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए ठीक है अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के रोल की बात की गई है कि प्राइवेट सेक्टर क्या रोल इसमें अपना निभा सकते हैं जैसे कि इस कोविड नाइन्टीन में प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा कमी रोल देखने को मिला है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे स्टेप बैक कर गया है लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी मिलके काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अपना इस इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए कि कैसे वो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करें और नेशन को एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे सके ठीक है तो एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल था हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड ठीक है अब देखिए ये वाला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि वाटर क्राइसिस के बारे में ठीक है वाटर के बारे में कि वाटर क्राइसिस से अभी कार्बन सिंक में भी कटौती देखने को मिल सकती है ठीक है देखिए वाटर विजडम ड्यूरिंग अ पेंडेमिक मोर अवेयरनेस इज नीडेड ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एक्शन ठीक है क्लाइमेट रेजिलियट एक्शन यानी क्लाइमेट से हमें कैसे चीज़ें बैलेंस करके लेके चलनी है हम फ्लेक्सिबल रहें ताकि कुछ क्लाइमेट चेंजेस uh, आए तो तभी भी सुरक्षित रहे धरती ठीक है उस तरीके के स्टेप्स कैसे लेके चल रहे हैं लाइक प्रोटेक्टिंग दी कार्बन सिंक जैसे हमें कार्बन सिंक को भी प्रोटेक्ट करके चलना है कार्बन सिंक क्या है देखिए जो जंगल होते हैं और जो uh, इस तरीके की जंगल होते हैं और जो आप कह सकते हो समुद्र होते हैं ये सब क्या है ये सब एक वो, आप कह सकते हो कार्बन सिंक है क्यों क्योंकि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ठीक है जो नेचर में हम कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं ये लोग वह कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ठीक है और हमारे जो नेचर को कार्बन डी कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा सा रिलीफ दिलाते हैं तो उसका भी हमें ध्यान लेके चलना है तो देखिए मार्च ट्वेंटी टी को जैसा कि वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है एक मिनट चलिए देखिए जैसा कि बाईस मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ठीक है सस्टेनेब ने, नेबल मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर का क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंस है अभी देखिए पर्सनल हाइजीन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है अभी हैंड वॉशिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा था तो जब पानी रहेगा तभी तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे ठीक है और इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है वाटर एंड दी क्लाइमेट चेंज ठीक है इस थीम को आप याद रखना जरूर वाटर एंड दी क्लाइमेट चेंज ठीक है थीम के ऊपर सवाल बनते हैं बहुत बार ठीक है वाटर एंड द क्लाइमेट चेंज तो थीम होगी चलिए आगे बात करते हैं ठीक है डिग्रेडेशन ऑफ द क्रिटिकल वाटर डिपेंडेंट कार्बन सिंह जो वाटर डिपेंडेंट कार्बन सिंग है यानी जो वाटर से रिलेटेड कार्बन सिंह है जैसे ओशियन हो गए पीट लैंड हो गए पीट लैंड क्या है जैसे कि आप कह सकते मार्ची लैंड जैसा एरिया होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने में वर्क करता है ठीक है तो वो सब के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है देखिए बताया जा रहा है वार्मर क्लाइमेट कॉज मोर वाटर टू एवोपरेट ठीक है अगर गर्म मौसम रहेगा तो ज़्यादा वाटर इवापोरेट हो जाएगा ठीक है फ्रॉम बोथ लैंड एंड दी ओशियन इन रिटर्न ए वार्मर एटमोस्फियर कैन होल्ड मोर वाटर और वार्मर एटमोस्फियर जो रहेगा गर्म वातावरण रहेगा वो ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं ठीक है फोर परसेंट मोर वाटर फॉर एवरी डिग्री वन डिग्री फेरानाइट अगर एट डिग्री फेरानाइट एक डिग्री फेरानाइट से टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार परसेंट ज़्यादा पानी वॉटर हमार अपना एनवायरनमेंट होल्ड करेगा ठीक है तो ये कुछ आंकड़े आप याद रख सकते हो देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट की बात की जा रही है कि क्या एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं अगर चीज़ों चीज़ें में इतनी जो नेचर है उसमें इतना चेंजेस आएगा तो बारिश में भी चेंजेस आएगी ठीक है जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती थी वेट वाले इलाके वो और बरसात देखने को वहाँ पे मिलेगी जो सूखे वाले इलाके हैं वहाँ और सूखा हो जाएगा ठीक है जैसे कि देखिए विद इंक्रीज प्रेसिपिटेशन और जो लेस प्रेसिपिटेशन की बात की गई यानी कि कम बरसात और ज्यादा बरसात ये सब सिनैरियो देखने को मिल सकता है ठीक है जहां पे जैसा क्लाइमेट चेंज जहाँ पे जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है ठीक है और वाटर देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ Uh, एक दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है अप्रोसीमेटली तो बहुत सारे सेक्टर में वाटर का इस्तेमाल है हेल्थ सेक्टर है फूड प्रोडक्शन है एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो बहुत जगह वाटर का इस्तेमाल है तो इसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करके लेके चलना है ठीक है एग्रीकल्चर फिशरी इन सब चीज़ों में भी बहुत बड़ा रोल है तो एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी लेके चलना है कि वाटर को कैसे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कैसे हम जो कार्बन सिंक वाले जो हमारे टूल्स हैं उनको भी बचा के लेके चले ठीक है तो जैसे कि हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी क्लाइमेट चेंज ये एक प्लान हमने बनाया है ठीक है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट नेशन नेशनल एक्शन क्या क्या होना चाहिए उस उसके तहत हमारे आठ मिशन है ठीक है एट मिशन आते हैं इसके अंदर जिसमें वाटर भी एक मिशन है ठीक है तो ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे कि ये स्टेप है ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा और सस्टेनेबल तरीका अपनाना पड़ेगा ठीक है तो प्रोटेक्टिंग दी कार्बन सिंक लाइक दी देखिए कार्बन सिंक कौन से कौन से हैं ओशियन है वेटलैंड है पीटलैंड है मैग्रीव्स है मैग्रीवस भी देखिए जो प्लांट होते हैं आखिर क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ना तो ये सब हमारे कार्बन सिंक है ठीक है एडॉप्टिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमें थोड़ा स्मार्टली अभी चीज़ों को लेकर चलना होगा और जो कार्बन सिंक है उनको प्रोटेक्ट करना होगा जो वाटर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा तो वही बताया गया इस आर्टिकल में तो इसी के साथ आज का एडिटोरियल यहीं पे ख़त्म करते हैं कैसा लगा आपको आज का एडिटोरियल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा चलिए शुक्रिया